गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास 7 हिंदी मीडियम, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका MS Excel, पेज नंबर है आपका 38। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है MS Excel क्या है, विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं, जो भी आपका डाटा होता है हम उसको व्यवस्थित रूप में लगाते हैं। इसमें हम फॉर्मूले का निर्माण करते हैं तथा फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम गणनाएं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्टूडेंट्स देखिए, आज बात करते हैं फॉर्मूला निर्माण, हम किस प्रकार किसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको करना है क्या है, माउस की सहायता से सबसे पहले जिस सेल में गणना करनी है उसका एड्रेस लिखें। मैंने आपको बताया था, पर मैंने आपको दो दिन पहले बताया था कि क्या क्या होता है, अलग अलग आपकी बार होती है। एक होती है इसकी एड्रेस बार, एड्रेस बार में जिस भी सेल के ऊपर आपको कैलकुलेशंस करनी है आपको उसका पता लिखना होगा। भाई जैसे आपको कहीं पे किसी को मैसेज करना है तो आपको उसका नाम चाहिए ना, इसलिए जिस भी सेल के ऊपर, ये क्या होती है आपकी अलग अलग सेल होती है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, जो रो तथा कॉलम से मिलकर बनती है। और ये आपका डाटा, जैसे देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है 10 और 17, तो इसका एड्रेस क्या हुआ आपका A1। देखिए A1 में क्या है आपका 10, उसके बाद आपको प्लस लगाना है और फिर क्या करना है आपको A2। तो मैंने एड्रेस में लिखा है A1 तथा A2, आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड की सहायता से एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक अपने आप ही रहता है जो 17 है, 10 और 7 का योग होता है 17, वह ऑटोमेटिक A3, आप देख सकते हैं A3 में आ जाएगा अपने यहाँ। इसी प्रकार आप अगर आपको माइनस करना है, आपको उसे घटानी है, आप जो है उसको एड्रेस लिखना है और आप क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। MS Excel के अंदर हम मैक्सिमम होता है सबसे बड़ा, अगर आपको कोई भी संख्या दी है उसमें सबसे बड़ा निकाल सकते हैं, मिनिमम सबसे छोटा निकाल सकते हैं, टोटल योग सब टोटल होता है, महायोग, महायोग जैसे आप अपने देखते हैं जो आपके एनुअल के होते हैं लास्ट में जो आपके मार्क्स निकल के आते हैं सब टोटल उसको बोलते हैं, या किसी चीज़ की कोई चीज़ सत्य है या असत्य है। जैसे मैंने कहा 10 is greater than 17, 10 क्या बड़ा है 17 से, तो दिखाई देगा फॉल्स। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, डेट निकाल सकते हैं, आगे किसी भी तरह की आप इस प्रकार से भी गणना इसके अंदर आप कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन तैयार होता है किसी भी फॉर्मूला से पहले क्या आवश्यक है, जब भी आप किसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं आपको उससे पहले क्या टाइप करना होगा, ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, ये वर्क आपको उतारना नहीं है। थैंक यू।